प्रथम विधा होती है बिखरे मोती। आज मैं उस विधा को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि उद्भट विद्वान वृंदावन से पधारे हुए हैं, उनके श्री मुख से कुछ नवीन आप सुन पाएंगे। बिखरे मोती तो रोज बिखरते रहेंगे और आप 31 तारीख तक सुनते श्रवण करते रहेंगे। आप अपना बोल लीजिए 5 मिनट दूसरी सेवा। आदेशानुसार बिखरे मोती संसार की संपूर्ण संपत्तियों से जो नहीं तुल सका, तुलसी के मात्र एक पत्ते से तुल गया। आपके जीवन की व्यथा जिससे दूर हो उसे ही कहते हैं कथा। कमल ही भगवान को क्यों प्रिय है, क्योंकि कमल कीचड़ से निकलते हुए भी अपने ऊपर एक दाग नहीं रखता। सागर मंथन हम नहीं, हम जीवन मंथन करके मंदराचल की तरह स्थिर रह सकेंगे। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा बहेगी वही विष को पचा सकता है। शब्दों पर नहीं उनके भावों पर ध्यान दें। जिसे स्वयं काम नहीं नचा सके उसे मोहिनी स्वरूप कृष्ण ने नचा दिया। शंकर जी, भगवान भक्ति से नहीं युक्ति से प्राप्त किए जा सकते हैं। गृहस्थाश्रम ब्रह्मचर्याश्रम से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान आज तक गृहस्थाश्रम में ही पैदा हुए हैं। मस्तक में ही मनुष्य का अभिमान रहता है। प्रत्येक मनुष्य, पुरुष के लिए नहीं इंगित किया है, नारी पुरुष सबके अभिमान मस्तक में ही रहता है। मन में जब भी काम है तब तक श्याम नहीं मिल सकता। इस दुनिया एवं एक मन के निग्रह को कहते हैं एकादशी। दस इंद्रियां एवं एक मन को कहते हैं एकादशी। दिन के 12 बजे सताती है भूख और रात्रि को 12 बजे सताता है काम। राम का अर्थ है आराम, और ये और योग तथा वियोग के मिश्रण का नाम है श्री कृष्ण। राम का आद्योपांत कृत्य अनुकरणीय है। ये बिखरे मोती में है, मैं जोड़ता हूं, किंतु कृष्ण के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। कृष्ण को प्रकट करना है तो राम की तरह मर्यादित होना होगा। गोपी भाव कामना युत है, किंतु भरत भाव निष्काम है। सीता भक्ति हैं तो श्री राम शक्ति हैं। रावण की शत्रुता रूपी शक्ति में भी भक्ति प्रतिबिंबित है। यदि राम को पाना है तो बालक की तरह निर्दोष होना होगा। भगवान भाव के भूखे हैं न कि भक्ति के। राधा रानी जिस पर कृपा करती है उसी को प्रेम रस प्राप्त होता है। और अंत में मीरा और राधा ने भी कृष्ण को मन से गाया, मन से ही गाकर उन्हें अपना बनाया। ये बिखरे मोती के हैं। मैं प्रार्थना करूं युगल बिहारी परिकर, 25वें वर्ष की अविरल तपस्या के बाद परिकर ने एक भक्तिमती प्रदान किया। आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप इस संस्थान से जितनी बड़ी से बड़ी मात्रा में जुड़ेंगे तो भक्तिमती के पश्चात आप शक्तिमती अवश्य प्रदान करेंगे। जितनी शक्ति आप बढ़ाएंगे, आपसे प्रार्थना है कि जाते समय पांडे जी बाहर बैठे हैं उनके द्वारा संस्थान का पत्र प्राप्त करें, जिस पर आप संस्थान के मेंबर बन सकें। इस संस्थान में मेवा नहीं, सेवा करनी होगी। मेवा प्राप्त करने की दृष्टि से नहीं, सेवा प्राप्त करने की दृष्टि से ही परिकर संस्थान से आपको जुड़ना होगा।
और अब मैं आरक्षण के बारे में कहना चाहूंगा, महिलाओं का बाहुल्य यहाँ रोज कहता हूँ, आप तो अपने लिए 50% का आरक्षण मांगती है ना, आवाज बुलंद करती हैं आपके बड़े बड़े नेता, हमको 50%, 50%। लेकिन कल के दृश्य को आपके सामने लाना चाहता हूँ, आपने पुरुषों को 1% भी नहीं दिया है यहाँ। अंत में आपने आप हंस रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि पुरुष बेचारे कह रहा हूँ, दूर वहां खड़े रहे, आपने 1% भी नहीं दिया। कृपया भविष्य में ध्यान देंगे, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और अंत में कहूंगा एक शब्द है, नोक झोंक। गृहस्थाश्रम शब्द निकला है श्री मुख से परमादरणीय के, गृहस्थाश्रम यानी पति और पत्नी, पति और पत्नी है तो उसका एक पर्याय शब्द है नोक झोंक, है ना? आप मानते हैं, सभी मानते हैं कि पति और पत्नी है, उसका पर्याय है नोक झोंक। ये विधा यहां भी चरितार्थ, शायद आपने नहीं देखा, मैं बता रहा हूं कि प्रसंग है यही का। हमें ये चाहिए नहीं, नहीं चाहिए नहीं, चाहिए नहीं। चाहना क्या था? मात्र 5 मिनट, मात्र 5 मिनट का नोक झोंक ही हो रहा था 5 मिनट के लिए। संजोग से मैं पास में था, सारा दृश्य देख रहा था, और यह नोक झोंक किसका था? आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, बताऊंगा। संजोग से दोनों इस समय हैं, एक है परमादरणीय और एक है श्री बाबूजी, ये दोनों ने कल यहां नोक झोंक भी किया है। ये स्थान है यहां दोनों का, आप मांग रही थी उनसे 5 मिनट 5 मिनट, अब आप नहीं 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 नहीं, 5 मिनट नहीं नहीं नहीं। कई बार ये देख करके अंत में विजय होती है सत्य की, वह सत्य मांगा जा रहा है तो 5 मिनट एक निर्माण के लिए, एक निर्माण के लिए 5 मिनट माना जा रहा था। बाबूजी ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति दी और आप मंच पर गए। ये इन्हीं शब्दों के साथ, इसी विधा के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, विनम्रता के साथ, वृंदावन से पधारे। अभी नहीं बोले, आज नहीं बोले, अच्छा 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 अच्छा। तो ये अभी मंथन हो रहा है, देख रहे हैं उद्भट विद्वान, चल पड़ी यह लेखनी निर्माण करने के लिए, लेखनी निर्माण कर रही है। मैं 3:18:20 हो रहे हैं, श्रद्धेया का आदेश है, आप आए प्रभु के चरित्र की ज्ञान गंगा बह रही है, भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र। अब तक तो प्राकथन था, लेकिन आज से मुख्य धारा बहेगी, प्रागत्य हो गया प्रभु का, कथा इनकी ही है। आपने ही कहा था कि कोई कहता है कि श्रीमद् भागवत चरित्रों का चित्रण है, नहीं, वो चरित्र इन्हीं के द्वारा है, इन्हीं के द्वारा किए गए हैं, इसलिए चित्रण आपने देखा। आज से आप परम पिता परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की गाथा सुनेंगे। 56 भोग की विधा आज है, आज भी थोड़ा सा नोक झोंक हुआ है 56 भोग के बारे में भी, क्या है क्या नहीं। आए आप विधा से जुड़े, अवगाहन करें प्रभु के पावन चरित्र का। इन्हीं शब्दों के साथ आपके श्री चरणों में नमन, आप जुड़ जाएं। एक प्रार्थना है, कोई भी कहीं भी कोई भी वक्ता बोलता है, श्रोताओं को चाहिए मंत्र मुग्ध होकर उसके साथ मिला लेना।
जब तक श्रोता मंत्र मुग्ध होकर के वक्ता के साथ मिलता नहीं है तब तक वक्ता का ध्यान इधर उधर भटकता है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि जिस तरह से कल बहुत उसमें लेकिन स्वाभाविक था, क्या कर सकें, आवश्यकता थी आने की, आप आगे आने की प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि व्यवधान पड़ता है। आप ध्यान करें कि बहुत बड़ा मंच नहीं, बहुत छोटी जगह है, इसमें आप लोग आगे पीछे आते हैं तो व्यवधान होता है। तो आप सभी से प्रार्थना है, आप तो सुन लेंगे, आने वाले जो आने वाले पीछे से वो नहीं है उनसे आप जरा कह देंगे कि आप यहाँ बैठ जाइए, आगे जाने का प्रयास न करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चरणों में नमन। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणरमणं देवकी परमानं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे वन्दे वृन्दावनानन्दा राधिकां परमेश्वरी गोपिकां परमां श्रेष्ठां लाडली शक्तिरूपिणी श्रीवृषभानुकुमारिके पदबंदों कर जो जिन शिवा सर उर्धरे ब्रज बसि नंद किशोर बंदों राधा पद कमल अमल सकल सुखधाम जिन परसन के हित रत लाल राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी मेरे राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी मेरे राधा जुगल बिहारी कुंज बिहारी श्यामा कुंज बिहारी श्यामा कुंज बिहारी मेरे श्यामा कुंज बिहारी सभी गाइए राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी मेरे राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी मेरे राधा राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी मेरे राधा जुगल बिहारी मेरे राधा जुगल नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने गणतकेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। यम प्रवजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो पिने दूरादे तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान कर निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुगादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावका। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीते पिबस्वामृत मेत देव गोविन्द दामोदर माधवे विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चेत वेत्ति सद्यादिकं मोह वशात् भूत गोविंद दामोदर माधवे गृहे गृहे गोजहो कदम्ब सर्वे मिलित्वा समवाप्ययो नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवे सुखेशयानानि लये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्यं ते निश्चितं तन्मयतां वृजन्ते गोविन्द दामोदर माधवे जिह्वे सदैव भज सुन्दराणी नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्थ विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवे वसानि इदमेव सारं दुःखावसानि इदमेव देहावसानि इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवे श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृत मेत देव गोविन्द दामोदर माधवे जिह्वे रसखे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं
कल हमारे पूरी भागवत के हृदय प्राण श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद प्रारंभ हुआ और वहां तक पहुंचने के लिए नवम स्कंद तक हम 4 दिनों तक चलते रहे और कल श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य दिवस हुआ। कल की कथा में समापन के समय कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ जल्दी में निकल जाता है, तो स्तोत्री भाषा से जो कुछ कल अच्छा लगा वो आप प्रभु की श्रीमद् भागवत की प्रसादी समझिए और जो कुछ ऐसा कुछ निकलता हुआ दृष्टतापूर्वक उसे आप सबसे क्षमा मांगती हूँ और आप सब में विराजमान श्री ठाकुर जी को मैं प्रणाम करती हूँ। श्री कृष्ण के नंद महोत्सव तक हम पहुंचे, केवल अभी तक नंद लाला हुआ तब तक हम सब उठ गए थे। नंद महोत्सव कहते किसके हैं यही हमें नहीं पता अभी तक। हम जो बधाइयां गा लेते हैं, नाच लेते हैं, उसका नाम नंद महोत्सव नहीं है। पहले तो उत्सव का नाम तो उत्साह है, लेकिन नंद महोत्सव में मिठाई बांटना, बधाई बांटना, दही दूध उड़ेलना ये नहीं है। आनंद तो उत्सव तो हृदय में होना चाहिए, हृदय में आनंद होना चाहिए। हाँ, लेकिन उत्सव ऐसा होना चाहिए कि उस समय हमें दूसरा न दिखाई पड़े, हमारे देह का भान भूल जाए और हम हमारे लाला ठाकुर हमारे साथ रहे कि मैं हूं और मेरा नंद लाला है। हर गोपी आ रही है और आते आते बोल रही है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। और यहाँ तो हम आंखें खोले सबसे लेने जा रहे थे कि हमें बधाई दो, हमें बधाई दो। अजी हो तेरा जोर ते ना कहूं तो कह दूं कि आप बधाई मांगने आई, आप खुद काका लेके आई, एक के हाथ में झुंझुनिया भी नहीं था, एक के हाथ में बॉल भी नहीं थी, कछु लेके आई लाला के ताई। हर गोपी वहां पर आई है तो कोई कह रहा गायों को लेके चलो, कोई कह रहा इनको लेके चलो, कोई उल्टी सी कपड़ा पहन रहा, कोई सुलटा सा कपड़ा पहन रहा, मेरे लाला के दर्शन बह जाए, वो को लाला के दर्शन बह जाए। और ये भीतर ही उत्सव नंद महोत्सव है कि भीतर ही हमारे भीतर लाला है और वहीं आप झुलाए रहे हो। झूलो पलना झूलो पलना, वो जब झुलाने की इच्छा हो तब जाके नंद महोत्सव में आनंद आए। आप करके देखो, आज भी अगर गिरिराज जी का उत्सव होगा, कोई भी उत्सव में आप अगर भीतर उनको विराजमान कर लोगे और भीतर से ही आप गाना गाने का, चाहे म्यूजिक की आवाज आए, चाहे कोई बधाई आए, तो भीतर ही आप अपने लाल को दुलारो और देखो लाला आपके सन्मुख ना आ जाए। तो करके देखो, ये बात नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ, करके देखो। पर हम जब आँख खोल के ठीक है उछलो नाचो गाओ वो बात नहीं, पर बार बार एक ही वस्तु के लेके मेरो लाला कैसो, मेरे लाला दो दौर परी वसुदा जसुदा सब दौरी, अरे नेक लाला को मुख दिखाए ले इतनी ही वसुदा सब बोरी। और कछु ना बोली, अरे मेरे को नेक लाला को मुख दिखाए दे, अरे मैया मैं इतनी दूर ते आ रही, मैं नंदगांव ते आ रही, वो कह मैं यहाँ ते आ रही, मैं बरसाने ते आ रही, सगरे जगरे आए आए के और लाला को मुख देखन की बात कर रहे हैं। अब ये लाला को मुख देखने के लिए इतनी सबको क्यों लालसा है, इस बात का भी आज जरा आशय खोल दें।
श्री कृष्ण के ही दर्शन के लिए इतने क्यों लालायित होते हैं हम लोग। कई लोग भी कल के नंदोत्सव कब है चब चलेगी, नंदोत्सव कब है कब चलेंगे, इसका तात्पर्य क्या है। मैंने आपको कल भी थोड़ा से रूप में बताया था कि श्री कृष्ण में संपूर्ण रस है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितनी गोपियां बैठे हैं, जितने गोप ग्वाले बैठे हैं, उनके सबके मन में उस लाला से अपने अपने रस को पीने के लिए इतनी तड़फ है, क्योंकि एक श्री कृष्ण है जिसमें सब रस है। कोई उदासी होएगी तो कहेगी मेरे को दास्य रस मिलेगा, मेरे मालिक का जन्म हुआ। कोई सखा होएगा उसको कहेगा मेरे सखा मिलेगा, उसके जन्म है। अजी और तो कछूनाए वृंदावन में नंदगांव में जब लाला आए। अच्छा बोलो लाला को वहाँ से वैकुंठ थे का क्यों खाज उठी और आए के और ऐसे नंदगांव में ऐसे ब्रज में आए के जन्म लियो, क्या खाज उठी। एक दिन वहाँ पे लक्ष्मी जी को बोले वैकुंठनाथ भगवान, बोली यहाँ खड़ा रहता हूँ बैठा रहता हूँ सिंहासन पे, लोग आके भाट चाणूर मुर को कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, मैंने इतना सुंदर संसार बनाया, एक दूसरे से कितने प्रेम करते हैं, मैं भी जरा नेक देखिया हूँ कि कैसे कैसे सब करते हैं, कैसे माता पिता बच्चे को दुलराते हैं, कैसे सब सखा प्रेम करते हैं। ये रस जो संसार में बिखेरा है उसका मैं भी नेक अनुभव कर आऊँ तो ब्रज में ही क्यों आए। बार बार मैं आपको आशा ब्रज में ही क्यों आए, क्योंकि ब्रज का मैंने शुरू में ही ये बताया था, ब्रह्मांड जहाँ पे जन्म इति ब्रज, यहाँ पे ब्रह्मांड का जन्म है वो ब्रज। गोवर्धन ये पर्वत नहीं है, जमुना जी ये कोई नदी नहीं है, ब्रजरज कोई मिट्टी नहीं है, तुलसी कोई झाड़ नहीं है। अभी भी ब्रजरज का उतना महात्म्य कि हमारे ठाकुर वहां लीला करके गए। हाँ जो ब्रज में आनंद है वो आनंद बिखराया हुआ हमारे कृष्ण और राधा का ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा कितना तार श्री कृष्ण से जुड़ा है तब आपको ब्रज में आनंद आएगा। देखो छोटी सी बात है, टीवी पे हमारे बच्चे का चित्र आता है तो हम सब ऐसे देखते हैं, देख 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 देख, तो हमारा पन जब लाला से जुड़ जाता है तब हमारे लाला के कहीं पर भी दर्शन करें तो आनंद बढ़ जाता है। एक तो ये भाव है कि कृष्ण वहां ब्रज में सबको रसानंद देने के लिए आए, एक ये भी भाव है कि कृष्ण के व्यक्तित्व में इतना आकर्षण है कि नाम कैसे भी ले लो, उनकी लीला को कैसे भी गा लो, कुछ भी कर लो तो भी व्यक्ति को आनंद प्रदान कर देता है। और दूसरी बात क्या है, अभी आपके सन्मुख बहुत सी लीलाएं आएगी, वह लीलाओं में यही आएगा कि कौ को डर नहीं है, कछु कर लो उलाना दे दो, नाच नचा लो गीत गवाए लो कछु कर लो, एक कृष्ण से किसी को भी डर नहीं, निर्भय। ठाकुर ने कहा तुमको जो करना हो मेरे साथ कर लो, जैसे आदमी कोई कहता ना मैं खुला हूं मेरे साथ कुछ भी कर लो, ऐसे खुलापन श्री कृष्ण ने ही सबको दिया। रसोपासना, देखिए यहां बड़ा वृंदावन में ब्रज में नाम रसोपासना, रस प्लस उपासना, उपासना का धर है नजदीक आसन, रस नजदीक आसन, और किसके नजदीक आसन, रस के नजदीक आसन। वो रस केवल वृंदावन में केवल ब्रज में है, यहां पर तो किसी के नजदीक बाजू सरक, यहां पर हम अपने में इतने मौजूद होते हैं और वहां पे गले भी मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं कि मेरे हृदय का प्रेम तेरे हृदय में हो जाए। ब्रज में काहू ऐसे प्रणाम नहीं करे, गले मिले, आपने देखी होगी तो गले मिलने का अर्थ क्या है कि मेरे हृदय का प्रेम आपके अंदर, आपके हृदय का प्रेम मेरे भीतर। और गले देखो बहुत लोग कम मिलते हैं, यहाँ के फैशनेबल लोग, मैं जब गले लगती हूँ बहुत कम लगते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे हृदय में प्रेम ट्रांसफर नहीं हो जाए, नहीं करते जब हम गले मिलने लगते दूर से, क्योंकि हमारे अंदर उतनी शुष्कता है कि वो द्रवता नहीं आ पाती है, इसलिए किसी द्रव वस्तु से आप मिलेंगे तो आप प्रेम कर सकते हैं। और प्रेम का परिपूर्ण प्रेम
बरसाने के लिए जो चतुर्थ पुरुष पंचम पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष की हमने नवम स्कंध तक सब कर लिया, अब प्रेम बरसाने के लिए एकमात्र श्री कृष्ण एकमात्र। मुझे तो कभी कभी लगता है, कल रात को ही मैं बोल रही थी कि श्री कृष्ण पर ही आधा घंटा चला जाएगा, लीलाएं कहाँ से लाऊंगी मैं। सवेरे तो बोल रही हूँ मैं कि एक भी लीला छोड़ने को मन नहीं करे और प्रेम बातें करने को मन करे ही करे। अब पूरी लीला में एक चीज यहां से ले लीजिएगा, देखिए मैं इतना ही कहती हूँ, पूरी लीला श्री कृष्ण की जितनी बाल लीला गोवर्धन लीला तक हमको आज पहुंचना है, तो गोवर्धन लीला तक एक काम यहां से रखिएगा तो आपको कृष्ण का अनुभव होगा। कृष्ण और कुछ नहीं मांगते, क्या मांगने के लिए पूरी लीला करी बताइए, चुप। अरे एक ही चीज तो मांगी है, मन। एक ही चीज मांगी कि मन मांगा, क्या चीजा, मन माखन मेरो चुराए गयो रे प्यारो प्यारो मोहन, मन माखन मेरो चुराए गयो रे प्यारो प्यारो मोहन, मन माखन मेरो चुराए गयो रे प्यारो 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 मोहन, प्यारो प्यारो मोहन प्यारो प्यारो मोहन मेरो लाडलो मोहन, प्यारो मोहन मतवारो मोहन, मन माखन मेरो चुराए गयो रे प्यारो प्यारो मोहन, मन माखन मेरो चुराए गयो रे प्यारो प्यारो मोहन। कानों से जब बात करे और मुख से कुछ ना बोले, जब बात करे और मुख से कछु नहीं बोले, जब बोले तब मीठा बोले कानों में अमृत घोले, उम्मीद द्वार जलाए गयो प्यारो प्यारो मोहन। वो बात इतनी सी कहनी थी कि मन रूपी माखन को चुराने के लिए कृष्ण ब्रज में आए। एक और बात, केवल मन माखन चुराने के लिए नहीं आए, जिसने अपना मन देना स्वीकार किया, ऋषि रूपा जितनी और थी सबकी सब सखियां गोपियां बन के वहां पर आई, जिनके मन में था कि मेरा मन श्री कृष्ण से जुड़ जाए, उसका माखन चुराए, किसका, जिसका मन है। यहां पे कोई रेडी है मन देखने के लिए, नहीं है ना, कोई का मन है खाली, ए कोई उंगली नहीं उठाता, हाथ तो उठाओ है, तो फिर मन को खाली करके दोगे कि भरा हुआ दोगे, मन में तो संसार भरा है, कहोगे दे देंगे, ऐसे नहीं लेता वो, मन को खाली करके दो कि ले तू ले मन, मन माखन मेरो, और आपको देना भी नहीं पड़ेगा, आपका खाली मन होगा तो कृष्ण चुरा लेगा अभी आगे लीला में। और सबसे बड़ी एक चीज है कि श्री कृष्ण में क्या क्या है, लौकिक जीवन के समग्र स्वीकृति का प्रतीक है कृष्ण, लौकिक जीवन के समग्र स्वीकृति का, सब चीज स्वीकार है उनको, उनको ऐसा नहीं है कि ये स्वीकार है ये नहीं स्वीकार है, रास में उल्टे उल्टा सुलटा ग्रहणा श्रृंगार लेकर के आए तो भी मंजूर है, को उनको घास ऐसे ऐसे गोबर का लगाए तो भी मंजूर है, समग्र स्वीकृति का नाम है श्री कृष्ण। और ये पूरे संसार में विराट रासलीला जो चल रही है उसका प्रतीक है श्री कृष्ण, ये विराट जो रासलीला चल रही है उसका प्रतीक है श्री कृष्ण। क्या नहीं है कृष्ण में, एक हो तो बोलूं, मानव की लीला करते हुए भी भगवत्ता का प्रतीक है श्री कृष्ण, भगवान अभी स्वयं ने कहा कि भगवान अभी शरद, भगवान के जितने षड ऐश्वर्य लेके गुण है वो षड ऐश्वर्य लेके प्रकट हुआ है श्री कृष्ण। और तो ये तो बात है ही भैया, कहाँ थे बताऊं, एक तो सब रसों के बिंदु का जो सर्वस्व है वो श्री कृष्ण, और कछु ना लियो आकर्षण करने के लिए वंशी का स्वरूप है श्री कृष्ण, सारा धर्म निभाते हुए भी सब कुछ करते हुए भी फलाकांक्षा से रहित है श्री कृष्ण, सब
कर्म करते हुए भी अकर्म की पूर्णता का स्वरूप है श्री कृष्ण। आपको लगेगा इतना सारी बताया आपने, लीलाएं तो बहुत करी, तो प्रतीक कैसे? सत्य है। सबने कहा कृष्ण तो बहुत झूठ बोलते थे, सत्य नहीं बोलते थे। तो एक बार नदी के किनारे उस साइड में दुर्वासा ऋषि थे, गोपियों के मन में आई है आए हुए हैं तो उनको कुछ भोजन पवाए दें। तो कृष्ण से कहा जमुना जी बहुत लंबी है, कैसे जाए लाला? कृष्ण हमें कुछ बता दो कि जमुना पार जाके दुर्वासा को हम भोजन करा लें, अतिथि सत्कार करवें। कृष्ण ने कहा नहीं दे रही जमुना जी रास्ता? बोले ना, हम तो पार ना जा सके। बोले जाके कह दो कि कृष्ण ब्रह्मचर्य का प्रतीक हो और उसने कोई कर्म नहीं किया हो तो रास्ता दे दे। ले और सदा सत्य बोला हो। ले बचपन से आज तक तो हम झूठ झूठ बोले, लाला ऐसे कैसे जाए के कह दें कि तू रास्ता दे दे? अगर कृष्ण ने सचमुच में ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और सत्य बोला हो तो रास्ता दे दे, ले जा दे दे। अरे पार करने की सोचे, बोले लाला तो ऐसे झूठ झूठ बोलने की आदत है। जाने लगी, जाते जाते कहने लगी अरे ये तो रास्ता नहीं मिल रहा, यहाँ देखे तो यहाँ भी जमुना जी बड़ी है, यहाँ देखे तो यहाँ भी जमुना जी बड़ी है, कैसे जाएं? चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। बोले अगर जमुना जी, अगर श्री कृष्ण ने सदा सच्चे सत्य कहा हो और बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और कोई कर्म न किया हो तो आप रास्ता दे दो। चट देने से जमुना जी नीचे आ गई। अरे रास्ता दे दिया, ये जमुना जी भी इनकी सिखाई हुई है लाला की, इसने कैसे रास्ता दे दिया? हमें पता है कि ये कुछ नहीं करती। वहाँ गई, जाके दुर्वासा जी को भोजन कराया। भोजन करा के वहाँ पे आने लगी तो फिर जमुना जी बढ़ गई। बोले ऋषि महात्मा आपको जिमाया तो है पर वापस हमको घर तो जाने दो, हम घर कैसे जाएंगी, जमुना जी तो इतनी बड़ी हुई है। बोले ऐसा कहो कि जमुना जी से कहो कि हमने दुर्वासा ऋषि महात्मा को कुछ न जिमाया हो, वो कुछ न जिमे हो तो रास्ता दे दे। ले पकवान बड़ा बना के उनको जिमाए, इतना जीम गए और कह रहे रास्ता दे दो, कह दो हमने नहीं जीमा होएगा। तो गोपियाँ गए, अजीब खेल है, पर अब गई वहाँ पे कछु ना है, न रास्ता कम हुए, इतनी इतनी जमुना जी बड़ी हुई। बोले ये जमुना जी हमने अतिथि सेवा तो करी अंदर अंदर, इतना भोजन कराया पर उन्होंने कुछ नहीं खाया हो तो रास्ता दे दो। पट देने से रास्ता जमुना जी ने रास्ता दे दिया। बोली ये तो लीला समझ में नहीं आई, हम जिमावे वो कहे जिमे ना, वो रोज झूठ बोले और कहे हम सत्य कहें, ये जमुना जी को श्री कृष्ण की लीला को हम नहीं समझ सकते। इसलिए कहा फल और अकर्म, फलाकांक्षा से रहित और कर्म करते हुए भी अकर्म के पूर्ण प्रतीक है श्री कृष्ण। धर्म और अध्यात्म की जोड़ का नाम है श्री कृष्ण। लीला भी करते हैं, नाटक भी करते हैं, सब प्रकार के धर्मों को भी निभाते हैं, सख्य धर्म, मैत्री धर्म, मधुर धर्म, दास्य धर्म, सब धर्म निभाते हैं, श्रृंगार रस के पुजारी, लेकिन उसके सब लीलाओं में अध्यात्म जुड़ा हुआ है, इसलिए रस और अध्यात्म के जोड़ का नाम है। हम लोग मान्यताएं में फंस जाते हैं, हम लोग धारणाओं में फंस जाते हैं, मान्यता और धारणा का नाम नहीं है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो भी कुछ करते हैं उसमें बहुत गहराई है, उनकी सब लीलाओं में गहराई है। हम रास लीला देख करके अब खाली वो कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने परंपराओं और मान्यताओं को रखते हुए उन सब का गहरा अर्थ बताया, वो है श्री कृष्ण। हमें ऐसा लगता है, मुझे खासकर ऐसा लगता है, अगर गहराई से उनकी प्रत्येक लीला को समझा जाए तो उन्होंने कोई चुनाव ही नहीं दिया, चॉइसलेस है, कोई चॉइस नहीं है, सब जैसे जैसे जो आया उसको उन्होंने स्वीकार किया। सुख आ जाता है तो सुख को बुला लेते हैं, दुख आ जाता है दुख को बुला लेते हैं, जो जिस हालत में बुलाता है, वस्त्रावतार तो वस्त्रावतार में आ जाते हैं। कभी द्रौपदी का के उसमें कटोरे में सब भाजी खत्म हो गई तो एक तुलसी दल से सबको जिमा देते हैं, क्या बताएं कृष्ण क्या नहीं है, बस यही मन में आता है। और इनको देख करके जब इनकी लीला सुनाने लगे ना तो आप लोग मन में ऐसे ऐसा करते जाइए, देखिए आप करिए आपको कैसा लगेगा।
अंदर अंदर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, आप अंदर अंदर रटते जाइए कि आपके भीतर भी श्री कृष्ण बोलते जाए। बुराई को प्रोत्साहन नहीं दिया है, पर बुराई को प्रोत्साहन जब तक दिया जैसे शिशुपाल को दिया कि जब तक वो अपनी बुराई को समझ ले और वो बुरा ना बन जाए, इसलिए बुराई को प्रोत्साहन भी दिया और काटा भी है। और सच्ची पूछा जाए तो मैं इतना सब बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या है कि कई चीज़ ऐसी ओवरफ्लोइंग होती है, मेरे ओवरफ्लोइंग हो रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ। बस इतना ही है कि श्री कृष्ण ने जो कुछ दिया वो अगर हम समझ सकेंगे तो ओनली दैट नीड्स डिवोशनल एटीट्यूड। व्हाट इज दिस डिवोशनल एटीट्यूड? भक्ति का भाव। अगर हमें भक्त का भाव, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। अगर भक्त का भाव हमारे भीतर होगा तो कृष्ण हमारे भगवान नहीं होंगे, हम अगर भक्त के भाव से रहेंगे तो कृष्ण हमारे भक्त बन जाएंगे। इसलिए भक्त का भाव लेकर के हम पूरी लीलाओं का आज सुने, ऐसा मेरा मन है, क्योंकि ये मेरे मन के भाव हैं, इसलिए मैंने आपसे कही है। जब नंदलाल के नंद महोत्सव मनाया गया तो महोत्सव में आते आते थोड़े दिवस बीते और यह शरीर है मथुरा और हृदय है गोकुल। तो कहा, आपने कई भजन भी सुने होंगे, मन मेरो बनियो वृंदावन, भजन सुने भी होंगे आपने, हाँ, मन मेरो बनियो वृंदावन। आज अभी बैठे हुए प्रत्येक प्राणी से मेरा निवेदन है कि हम सब का मन गोकुल बन जाए, गो मतलब इंद्रियां, और इंद्रियां सारी की सारी एक जगह लग जाए गोकुल में, हमारे बालकृष्ण लाल जो हैं उनको हम अंदर पधराएं और फिर सब लीला का चिंतन करें। मथुरा में जन्म करके गोकुल आए हैं। मन है ना, मन वो बार बार कहीं धन में काम में कहीं नहीं चला जाए, मन बार बार, और जो ही आपका जाने लगे अंदर से बोलने लगी, जोर से बोलिएगा अंदर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, तो मन कहीं जाएगा नहीं। जब तक मन में मत्सर होगा श्री कृष्ण मथुरा नहीं रह पाएगा। इंद्रिय भक्ति गाय ये सब लेकर के श्री कृष्ण वहां पर आते हैं। कितने दिन के हुए नंद महोत्सव के बाद कर चुकाने के लिए कौन गया? श्री नंद बाबा कर चुकाने के लिए वहां गए मथुरा। देखिए नंद आनंद देने वाले, तो नवमी का नंद महोत्सव हुआ, श्रावण बदी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में आए। भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आए, देखते ही मैया को लगा कि ये कौन सांप पहन पहन के आ रहा है भाई, इनको कहाँ से देखें। अरे मेरे लाला डर गए और चट अपनी पल्ले से छुपाने लगे और अंदर ले जाने लगी मैया। और शंकर तो बोले मैं तो जाऊंगा ना, जब तक दर्शन नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं जाने वाला हूँ। जो शंकर को दर्शन करने के लिए बोले, मैं तू जाएगा ना, मैं तो दर्शन कराऊंगी ना, मेरे लाला डर जाएगा, मैं कहा दर्शन कराऊँ, तो तू जा, जहाँ कोई जानो है। तो शंकर जी ने जिद पकड़ ली और शंकर जी वहाँ आ करके वहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ करके, और जो जरासी देर श्मशान से शंकर जी कहीं नहीं रहते वो शंकर जी वहाँ धम्म देने बैठ गए। और लाला ने कही, अरे अब तो मैया मुझे दर्शन नहीं कराएगी। तो लाला ने कहा करी, जोर से रोनो शुरू करियो। बोले अभी तो ठीक हो, तो अभी क्यों रो रहे हो, अभी क्यों रो रहे हो, रोनो रो, तो रोना सुन सुन के वो के मन में आयो कि अब तो ये रो रहे हो, चुपी ना हो। गोपियां सगरी आई, बोले पतो ना है क्यों रो रहे हो, चुपी ना हो। बोले लाला मैया आपने कहूँ थे कही, बोले एक जोगी आए हो तो और वहाँ ने देखी और जोगी ने आके मुझे कही कि मुझको दर्शन करा दे, भला सांप इतना लंबो मेरे लाला नहीं डर जाएगा, मैंने दर्शन नहीं कराए। बोले वहाँ नहीं कहीं नजर कर दी बस मैया, वो कछु जादू टोना करके चले गए, अब तो और कही है रुके को नहीं। जब लाल पल्ला में झुलाए सब करे, रोवे ही रोवे रोवे ही रोवे, और फिर लाला ने कही गोपियों से कही कि जाए शंकर को। चल रे योगी नंद भवन में,
यशुमती तो है बुलावे, लटकत लटकत शंकर आवे, मन में मोद बढ़ावे। लटकत लटकत देखो रे एक बाला जोगी द्वार मेरे है आयो री, बागंबर को ओढ़ दुशाला शेष नाग लिपटायो री, माथे वाके तिलक चंद्रमा जोगी जटा बढ़ायो री, रे भिक्षानंद रानी निकसी मोतियन थाल भरायो री, या जोगी अपने आश्रम को मेरे लाल डराया री। जोगी ने कही ना चाहिए तेरा हीरा मोती, ना चाहिए धन माया री, ना चाहिए धन हीरा मोती, ना चाहिए धन माया, तेरे लाल को दर्श करा दे, तेरे लाल को दर्श करा दे, काशी से चल आया री, काशी से चल आया री, ले बालक निकसी नंद रानी, ले बालक निकसी जोर 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 ते रोने लगे। और एक गोपी लेकर के वहां से आई और आ करके और दिखाने लगी चेहरा, तो बोले जरा तेरे सांप को उधर हटा तो मैं मेरे लाला का दर्शन कराऊंगी। और ले बालक निकसी नंद रानी, जोगी दर्शन पाया जी, जोगी दर्शन पाया जी, सात भेर परिकम्मा कीनी, सात भेर परिकम्मा कीनी, सिंगनाद बजाया जी, सिंगनाद बजाया जी, सूरदास को लोक धाम में धन यशोदा माया री, धन यशोदा माया री, शंकर जी आशीर्वाद देते हैं, अरे तीन लोक के करता हरता, तीन लोक के करता हरता, तेरी गोद में आया जी, तेरी गोद में आया री, तेरी गोद में आया जी, तेरी गोद में आया री। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। क्या बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शिव जी ने दर्शन किए, हरि और हर दोनों एक है, अलग अलग नहीं है, इसलिए ये दिखाया गया है कि जो ही हर दर्शन करने के लिए आए तो हरि ने जोर से रोना शुरू कर दिया कि हमें दोनों को अलग ना समझा जाए। शिव जी ने कहा, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने गए और उनके यहाँ जा कर के कहा कि आप यहाँ आ गए और मेरे यहाँ तो लाला भया, पर आप यहाँ पर हैं कैसे आ सकेगा, नहीं इसमें कंस का दोष नहीं है, मेरे ही कर्म का दोष है। वसुदेव ने वहाँ बताया ही नहीं कि लाला मेरा वहाँ पर आके गया है। हाँ हाँ बोले वो मेरा ही लाला, अपन कहते ना आपका लाला आया है, कोई से कहते ना कि आपका पुत्र यहाँ आया है, वो अपने भोले बाबा नंद बाबा ने कह दिया। बोले हाँ आपका ही है, मेरा क्या है कुछ है। नंद जब जीव छोड़ के गोकुल जाता है वहाँ काम कद लोभ मद मत्सर सब आते हैं। नंद छोड़कर कंस के गया, अब पूत की बात आती है। पूतना चतुर्दशी के दिन आया, देखिए द्वादशी को नौवीं को महोत्सव, द्वादशी को शंकर भगवान आए और चतुर्दशी। अब सोचिए चतुर्दशी के दिन क्यों आई, 14 जगह पे पूतना मतलब जो पवित्र ना हो वो पूतना, पवित्रता हो वो पूतना, ना हो वो पूतना। वहां से जब सब आए आए के रोज दर्शन करी तो एक वहां उन्हीं के बीच में पूतना अपनी अच्छी बना करके और आ गई। आने के बाद कहा जरा मैं लेक लाला के दर्शन कर लूं, साथ साथ चलने की थोड़ा था, लेक लाला के दर्शन कर लूं। अब लाला के दर्शन करने के बोले इतने इतने दिन से सबसे आए रही है, आज ये भी आई है, ले भैया मेरे जरा काम है मैं कर लूं, तू जरा दर्शन कर लो। बोले कहा कर, बोले देख पलना में लाल
तू ने ध्रोवा मत, अब भाई अभी सोयो है, तू रुवाइयो मत। अब इतना ही तो चाहिए था पूतना को कि मेरे को एकांत मिल जाए। तो उसने ना सज धज के सुंदरी आगे गई और अपने अपने उनको स्तन पान कराने के लिए उठाने लगी। कन्हैया तो पहले से ही वेट कर रहे थे। प्रवृत्ति की प्रवृत्ति का नाम है पूतना, और चौदश के दिन इसलिए आई कि चौदह हमारी वासना अटकती है। पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन, चित्त और अहंकार, इन सब जगह कहीं न कहीं वासना अटकती रहती है। इसलिए अविद्या पूतना को मारने के लिए हमें श्री कृष्ण की ही जरूरत पड़ती है। कंस के जितने और हथियार थे, जितने और ये राक्षस थे, उसमें पूतना का नाम सर्वप्रथम था, और वो बाल गोपालों को मारने में सर्वप्रथम थी, इसलिए सर्वप्रथम उसे ही भेजा गया। वो शिशु को ही मारती है, तीन वर्ष के शिशु को मारती है। तीन वर्ष का शिशु कौन? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण से भरे हुए हम तीन वर्ष के ही हम लोग, तीन ही गुण है हमें, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये तीनों गुण से ऊपर उठाता कौन है? भगवान स्वयं। पूतना का स्वरूप देखकर यशोदा आदि भी धोखा में आ गए, तो हम तो आ जाएं तो क्या बड़ी बात। पूतना प्रेम के प्रतीक, स्तन पर कपट का प्रतीक विष लगाकर आती है। विष लगाती है मतलब कपट का प्रतीक। बन के आई क्या? बन के आई वो माता का रूप, स्तनपान माता कराती है, और पूतना ने क्या लगाया वहां पे? दूध, वात्सल्य का दूध के आगे कपट का दूध पिलाने के लिए आई। जो ही वहां से लिया और लेकर के आगे बढ़ी, आगे बढ़ के जो ही स्तन मुंह में दिया, त्यों ही कृष्ण भगवान ने जोर से वहां से पकड़ा और इतना जोर से छोड़, मुंच मुंच सा मुंच मुंचालम इति प्रभाषिनी निपीडम माना अखिल जीव मनमणि विवृत नेत्रे चरणों भुजो मुहु प्रविष्ट गाता क्षिपति गरुड़। वहां से जो लेकर के और बदली है, अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़। कृष्ण ने कहा बात ऐसी है, मुझे छोड़ना नहीं आता, पकड़ना आता है। जिसको मैं पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ। कितनी सुंदर बात है। और पूतना लेकर के उनको वहां पे आगे गई। आगे जाने के बाद इतने बड़े विकराल रूप में होकर के रास्ते पे जाके पड़ गई। वहां कृष्ण खेल रहे थे, और वहां देने के बाद सब सखियां वहां से जोर से शोर हुआ। पूतना गई तो इतनी जोर से शोर से सब भागे वहां पे देखने के लिए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वहां पर जाते के बाद देखा कि कृष्ण खेल रहे। अरे यशोदा मैया, ये का भयो? अरे ये कौन है और कैसे हुआ? तब बोले किसी कोई राक्षसी आई थी, किसने, किसी को पता नहीं लगा कि कृष्ण ने उन्हें मारा है। अरे कैसे ये मर गई, अच्छा हुआ भय टल गया। बोलो भगवान कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान कहते सन्मुख मेरे किसी भी रूप में हो जाए, मैं उसे विबुद्ध्यम त्वाम बाल का मारिका ग्रहम चरा चरात्मा सनिमीलित क्षण। पूतना को देखते हुए कृष्ण ने आंख बंद कर लिया। पूतना का तो समापन हो गया, पर पूतना को देख करके कृष्ण ने आंखें बंद की। अब बताइए कितने संतों ने कितनी प्रकार बताई कि आंखें क्यों बंद की। पहला किसी भगवान ने कहा भाई आंखें इसलिए बंद की होगी स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मैं देख लूंगा स्त्री है तो इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली। दूसरे महात्मा ने कहा ये मेरे जस्ता नहीं, इसके लिए थोड़ी आंखें बंद होगी। उन भगवान की आंखों में वैराग्य है, ऐश्वर्य की लीला। यदि जान गई पूतना कि मैं भगवान हूं तो जो लीला करने आई है वो नहीं करेगी, इसलिए आंखें मीच ली। खुदा नजर दे तो सब सूरत खुदा की है। मैं कृपा करता हूं जब किसी पे, तो सामने वाले को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तीसरी ने कहा नहीं 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 नहीं, पूतना ठगने के लिए आई है, आंख इसलिए बंद करी कि सोचने लगे कि इसे गोलोक भेजूं कि वैकुंठ लोक भेजूं, देनी तो मुक्ति है। क्योंकि भगवान के पास किसी रूप में आई है, चाहे दुख बन के आई है, चाहे सुख बन के आई है, चाहे शत्रु बन के आई है। एक महात्मा ने और कारण बताया, बोले लीला करने आए थे ना बाल गोपाल की, तो लाला तो राक्षसी को देख के डर जावे या मारे आंख मीच ली, डर के मारे आंख मीच ली। दूसरे ने कहा जी नहीं,
आंख मीच के शिव जी का ध्यान कर रहे थे। किसका? शिव जी का। बोले देखो मेरे को विष पीने की आदत नहीं है, इसलिए विष लगा के आई है, तो तुम बीच में आ जाओ, विष तुम पी जाओ, और मैं तो देखो दूध पीने के आदि हूँ, माखन खाने के आदि हूँ। वो शिव जी का ध्यान कर रहे थे। एक अन्य महात्मा बोले कितने मतलब संतों ने क्या क्या निकाला, मैं तो आपको इतनी लीलाएं सुना ही नहीं पाऊंगी, मैं खुद ही सवेरे से खुद परेशान हूँ। मैं सोचती हूँ इतनी लीलाएं कितनी चार घंटे में हो सकती है। एक महात्मा कहते हैं कि क्या दूं, मुक्ति के सिवाय गति देने की मेरे पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन ये माँ बन के आई है तो मैं क्या दूं, इसलिए इन्होंने आंख मीच ली। सुखदेव जी महाराज स्वयं दशम स्कंद की लीला की पहली लीला सुनाते हुए पागल हो गए, हमारे तुम्हारी क्या मिसाल। एक एक लीला का चयन और मंचन और हमको अंदर मंथन चिंतन ऐसा करना चाहिए कि वो हमारी आंखों के सामने लीला हो रही है, तब जाके उसमें आनंद आएगा। अरे लंगोटी पहन पहन के फिरने वाले सुखदेव जी पागल हो गए। और सनातन गोस्वामी का नाम सुना है? सुना होगा वृंदावन में सनातन गोस्वामी, तो रूप सनातन तो चैतन्य महाप्रभु के थे, किसी उसके दीवान थे, और जो ही एक लीला सुनी और वहीं पे अपना दीवान गरी छोड़ छुड़ा करके वृंदावन में बस गए। कितना सुंदर सनातन गोस्वामी की लिख लिए, पूतना आंखों के द्वारा मन में आती है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि जब वासना या कुछ आवे तो अपनी आंखें बंद कर लो, इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी। बोली यशोदा यहाँ पे काम लग गई थी, वृक्ष इतने टूट गए थे, पूतना ने इतनी आंखें बंद करी, इतने के लिए भगवान कृष्ण ने आंखें बंद करी थी, यहाँ पे पूतना का उद्धार हुआ। उद्धार होते ही सब लोग ठाए लाला को, और 108 दिन के लाला थे, और वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, तो बोले अरे अब क्या करें, सबको जैसे कोई लाला होता तो लगता ना सब क्या, सबसे पहले लाला को तो क्या करते हैं जल्दी बताओ माताओं, नजर उतारते हैं, झाड़ा देते हैं। लड़कियों ने कहा यशोदा तेरे से संभालो ना, लाला इतनी इतनी बड़ी हो गई है, इतने बरस की हो गई। अरे मोए ऐसे क्या कह रही, मेरे पहले प्रथम लाला को आदत ना है, अब तुम सिखा दोगी तो मैं सीख लूंगा, मैंने ध्यान नहीं दियो, ये मेरा पहला बालक है। लाला को गाय बड़ी प्रिय, को गंगी नाम की गाय प्रिय थी, उन्होंने झांकी कराई गौशाला से, गंगी गाय की पूंछ हाथ में लेकर लाला के शरीर पर सिर से पांव तक 3 बार फेर दी। गोमुख स्नान यत्वा कन्हैया को पहले पुत्र से फिर उष्ण जल से नहाया गया। मैं पूरा ये जो बाल रक्षा स्तोत्र है, अगर आप कोई देखे तो दशम स्कंद के इस अध्याय में बाल रक्षा स्तोत्र, मैं अभी पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, नहीं तो बाल रक्षा स्तोत्र आप सब पढ़ करके और लिया करिए, मैं भी रखती हूँ, किसी की भी बच्चे की नज़र या झाड़ा देना हो तो ये बाल रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, बहुत सुंदर है ये बाल रक्षा स्तोत्र, मैं रखती हूँ। इसलिए ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करें, इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणा नारायण श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो स्वरूपतु गर्भस्तु ते बुधित महात्मान भगवान पर क्रीडंतम पातु गोविंद पातु माधव ब्रजवंतर्पदार वैकुंठ आसीनम त्वाम श्रीयं पति भुञ्जानम यज्ञभुपातु सर्व भयंकर। यार से ये कुछ छोटा सा ये रक्षा करे, ये रक्षा करके बाल रक्षा स्तोत्र है, वो बाल रक्षा स्तोत्र द्वारा उनकी नजर उतार गई। अगर आप लिखना है तो लिख लीजिए, 6 अध्याय में 22-29 श्लोक, 6 अध्याय में 22-29 श्लोक तक बाल रक्षा स्तोत्र है। ये पूतना वध होने के बाद कृष्ण मिलन में बाधा उपस्थित करती है। ईश्वर 6 गुण वाले हैं, उन्होंने 6 दोषों वाली पूतना को 6 दिन मारा। फलश्रुति बताई कि मात्र एक अज्ञानता को पहचान लिया जाए तो कुछ कम नहीं है, और अज्ञान दूर होने पर श्री गोविंद से प्रीति हो जाती है। ये पूतना मोक्ष की लीला बड़े शॉर्ट में है, लेकिन अगर इसके अंदर जाएं तो बहुत इसकी गहरी लीला है कि इतनी सी छोटी सी उम्र में
क्यों पूतना का वध हुआ और क्या पूतना है। हमारे संग में पवित्र जो अपवित्र आत्मा अपवित्र विचार है वही पूतना है। जब जब हमारे भीतर अपवित्र विचार आए तो सोच लीजिएगा पूतना आ गई। यशोदा बुद्धि है, नंद जीव है, ये पूतना की वो पुरानी मालूम है विंध्यावली की कल बताई थी, वो विंध्यावली के रूप में पूतना बन के आई। अब शक्ता सुरवध का विचार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे